या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भैया बात यह है कि इंटरव्यूज इस तरह के उन शख्सियात के होते हैं कि जो नाबिग़ रोज़गार होते हैं, आलमी शोहरत याफ्ता किस्म के लोग होते हैं। मैं तो मामूली सा इंसान हूँ, पैदाइश तो हमारी कराची में भी बता रहे थे, लेकिन मेरे बेहतरीन उस्ताद जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ कर चलना सिखाया, गुफ्तगू के आदाब से, बल्कि मुझे याद है कि मैं हैदराबाद से भी सुनने आता था, दो अफराद जब उनसे कोई ऐसा मसला फिक्री मसाइल या वो बात की जाए तो फ़ौरन कह देते हैं कि देखो भाई हम आलिम नहीं, हम खतीब, ये किसी आलिम से सवाल कर। देखिए कितनी अच्छी बात है। अच्छा जी चले, देखिए बात यह कि ये मूवमेंट तो मुसलसल चलती रही और चलती रही, क्योंकि ये मसला ख़त्म नहीं हुआ, अभी कब भी ख़त्म नहीं हुआ, और ये कब से चल रहा है, ये जावलक के दौर से, मरदूद के दौर से चल रहा है। ये सवाल तो जनरल वालों से कीजिए, उनसे क्या भाई, मुझे नहीं बुलाते, मैं छोटा सा आदमी। नतीजा ये होता है कि 22 करोड़ आवाम रमज़ान में बजाय मोहब्बतें पैदा होने की उनमें नफ़रतें पैदा होती, नए नए इशू पैदा होते हैं, उनको झगड़ा कराया जाता है, मुसीबत होती है, वो आप सब देख रहे हैं आपके सामने। ठीक है, नोहा खान तो बहुत सारे जिनको सुनना पसंद है, मतलब नाजिम भाई तुम्हारी किस नासिर मिले ऐसे शहे दिलगीर से पहले हिम्मत नहीं है, मायूस नहीं। मायूस वो लोग होते हैं जिनका कोई वाली वारिश नहीं। मैं आपके चैनल से ही बात करूंगा कि देखिए उन चीज़ों से गुरेज करें, आजकल ये होता है कि सस्ती शोहरत के लिए भयानक किस्म की हेडिंग लगा और चला गया, इसको मिस यूज ना किया जाए, बस मेरी एक अपील है कि इसको मिस यूज, आपसे भी गुजारिश है।